अब हम कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। क्या क्या लग रहा है, फैक्टराइज द फॉलोइंग, फैक्टराइज करना है इसको, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कहते हैं फैक्टराइज करेंगे, इसका अलग मेथड है, ये देखते हैं हम। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 कर रहे हैं। एक्सरसाइज 4.2 के क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1 हमने कॉपी कर लिया, सही है। एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन नंबर 1 का पार्ट 1, ठीक है। अब इस टाइप के क्वेश्चन हम क्या करते हैं, थ्री टर्म वाले क्वेश्चन में करते हैं। स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाते थे हम, इसको भी बनाएंगे हम, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। जब भी तीन टर्म वाले होती तो इस तरह करते हैं ना, या तो मिडिल टर्म ब्रेक करते थे या फिर इसका बिल्ड का भी ब्रेकअप देखा नहीं है। इसको बना रहे हैं ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमें फार्मूला पता, पहले कहेंगे सोल्यूशन। आप हमारा फार्मूला कौन कौन सा लिख देता हूँ, पहले क्या है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी के होल स्क्वायर के, ठीक है। एक फार्मूला ये था, दूसरा फार्मूला हमारे पास ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी का होल स्क्वायर। इन दो फार्मूले तो बताओ कौन सा फार्मूला लगेगा इसमें, कौन सा लगेगा, माइनस वाला, प्लस वाला, प्लस वाला। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, यहाँ पर भी प्लस, इधर भी प्लस, जबकि इसमें यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर प्लस, जबकि इसमें यहाँ माइनस तो नहीं है। तो अब इसमें हम ये वाला फार्मूला लगाएंगे, ठीक है। तो इसको ए स्क्वायर बना रहे हैं, तो कैसे बनाएंगे बोलो, इसको ए स्क्वायर बनाना है, क्या बने, कैसे बनेगा, ये ए स्क्वायर का स्क्वायर बन गया स्क्वायर, प्लस फार्मूले का प्लस, फार्मूले में टू, फार्मूले में टू, फार्मूले में ए, हमारा ए क्या है, ए स्क्वायर, ठीक है। फार्मूले में बी है, बी अभी हमने निकाला नहीं है, अभी छोड़ देते हैं, बी पे छोड़ देते हैं, बी प्लस प्लस बी का स्क्वायर, इसको बी का स्क्वायर बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, ये बन गया बी का स्क्वायर, ठीक है। तो बी हमारा क्या निकला, एक्स स्क्वायर, यहाँ बी लिखना था, लिख दिया बी स्क्वायर, ठीक है। अब मैं इसको खोलूँ तो ये चीज़ आएगी, इसको खोलूँ तो मैंने ये चीज़ बन गई, इसको खोलूँ तो ये चीज़ आएगी, ये क्या, इसको खोलूँ तो ये चीज़ आ रही है, कहाँ आ रही है जी, 2a² x, ये लिखा हुआ है 2a² x, इसको जब सॉल्व करोगे तो आंसर क्या आएगा, 2a² x, जबकि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, a² x², ये चीज़ तो नहीं आ रही, इसका मतलब ये हमने गलत लिखा ही है। तो इसको गलत है नहीं क्या भैया, अब इसको हम सेट करेंगे, कैसे सेट करेंगे, अब ये लिखा हुआ है 2a² x², जबकि हमें लाना क्या है, a² x², तो इसमें क्या चीज़ ऐड करें या सब्ट्रैक्ट करें कि ये चीज़ बन जाए। तो अगर मैं इस पूरी चीज़ में से यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर लूँ a² x², अब ये कितना लिखा है, 2a² x², ठीक है, ये कितना लिखा हुआ है, 2a² x², और ये कितना लिखा है, 1a² x², इन दोनों को सॉल्व करें तो क्या आंसर आएगा, और साइन क्या आएगी, आगे ये चीज़ बढ़ेगी था ना, ये 2a² x², ये कितना, 1a² x², 2a² x² में से 1a² x² जब माइनस करोगे, इन दोनों की बात कर रहा हूँ, तो ये चीज़ आ जाएगी, आ गई। तो हमने ये अपनी तरफ से किया, क्यों किया, क्योंकि हमें ये चीज़ लानी है। मैंने क्या बोला, इसको हमने अपनी तरफ से किया, बनाया ना, a4 को a² x² बना लिया, x4 को x² x² बना लिया। जब अपनी तरफ से कोई चीज़ बनाते हैं तो हम देखते हैं क्या इसको सॉल्व करने पर क्वेश्चन में फ़र्क तो नहीं पड़ रहा। हमने देख लिया, इसको खोलोगे तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ आ जाएगी, इसको खोलोगे तो क्वेश्चन में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वही चीज़ आ जाएगी, लेकिन इसको खोलोगे तो क्वेश्चन में फ़र्क पड़ रहा है, क्वेश्चन में वो चीज़ नहीं आ रही, क्वेश्चन में a² x² आ रहा है, जबकि आपने बना दिया 2a² x², तो इसमें क्या चीज़ ऐड किया जाए या सब्ट्रैक्ट किया जाए कि ये चीज़ बन जाए। तो हमने कहा, अगर 2a² x² में से 1a² x² सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये चीज़ आ जाएगी। तो ये हमने अपनी मर्ज़ी से किया, अब इन दोनों को सॉल्व करोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इसको खोलोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, इसको खोलोगे तो ये चीज़ आ जाएगी, अब आपका सॉल्वर बिल्कुल सही हो गया, ठीक है। अब इसको फार्मूले में बंद कर सकते हैं, a² + 2ab + b² के फार्मूले में बंद कर सकते हैं इसको, ये a + b होल स्क्वायर फार्मूला बंद कर सकते हैं ना, तो क्या हो जाएगा बोलो, a + b का होल स्क्वायर, ए क्या हमारे पास, a² + b² बी क्या हमारे पास, x² और उसका होल स्क्वायर, ठीक है, बंद हो गया। इस चीज़ को हमने a + b होल स्क्वायर के फार्मूले में बंद कर दिया, ये चीज़ अब उतार देते हैं, इस पूरे को इसमें बंद कर दिया, ये चीज़ है, इसको यूँ लिख सकते हैं माइनस, और a और x ब्रैकेट में बंद करते हैं, और इसको यूँ बना रहे हैं, यूँ लिखे या यूँ लिखे की बात है।
इसको खोलेंगे तो वही चीज़ आएगी और इसको खोलेंगे तो ये चीज़ आ जाएगी, ठीक है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, समझ आ रही बात। अब दोबारा देखो यहाँ पे फॉर्मूला, अब इस पूरी चीज़ को अगर मैं ए सपोज कर लूँ, इस पूरी चीज़ को मैं बी सपोज कर लूँ, तो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बन जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी और ए प्लस बी बन जाएगा। तो इस फॉर्मूले, तो इस फॉर्मूले के मुताबिक, ठीक है, ये हमारा फार्मूला है, ये हमारा फार्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी के बराबर होता है। तो इस फॉर्मूले के मुताबिक हमारा ए क्या हो गया और बी क्या हो गया, एक्स हो गया। इस फॉर्मूले के तहत खोल लेंगे इसको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए क्या है हमारा पास प्लस एक्स, ए फॉर्मूले में ए माइनस बी, माइनस बी क्या हमारे पास ए एक्स, ठीक है, बंद कर लिया। फिर बोला ए प्लस बी, ए क्या हमारे पास ए स्क्वायर प्लस एक्स, ए प्लस बी, प्लस बी क्या हमारे पास ए एक्स, ये मैंने बंद कर लिया, ये बंद कर लिया, ए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए माइनस बी ए प्लस बी, ठीक है। अब ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर मजीद, अब इसमें हम जो है यहाँ पर तक आपका आप आंसर आ गया, ठीक है, आंसर को चेक करें बुक से, कोई बंदा अपनी बुक से चेक करें आंसर,